ये फ्लाई ओवर जो देख रहे हैं आपको इधर से, ये ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा एक्चुअली, इधर से लोग आएंगे। ये है अभी रात 12:30 बजे, ऑलमोस्ट 1 बजने जा रहे हैं। दिख रहा होगा उधर पे आइकिया है, राइट। ये एंटायरली जो है आइकिया का है, और ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब ऑफिस स्पेसेस है। और मैं जब आपको कुछ ही देर पहले जो दिखाया हुआ था, ये सारा ये रहेजा माइंड स्पेस है, ये मेरा पुराना ऑफिस हुआ करता था, बट जो नया ऑफिस है कुछ दिनों के अंदर डेफिनेटली दिखाऊंगा। सो वेलकम टू माय चैनल, योर जोडो, लेट्स स्टार्ट। सो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं अभी, 30th December है, तो कल 31st है। आज इस साल का मतलब 2022 का लास्ट फ्राइडे है, तो फ्राइडे में और न्यू ईयर के वजह से थोड़ा बहुत जो हैदराबाद जहाँ पे मैं हूँ कैसे सजा हुआ है वो आपको मैं दिखाऊंगा। जो अभी आपको दिख रहा है ये रात 12:30 बज रहे हुए हैं, और ये यूजुअल फ्राइडे है, थोड़ा ज़्यादा ही लोग आपको दिखेंगे शायद आज, बिकॉज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स न्यू ईयर, सब लोग क्लबिंग और खाना खाने के बाद शायद उन्हें घर लौट रहे या फिर घूम ही रहेंगे होगी इधर पे, तो ऐसा माहौल आपको सिर्फ हैदराबाद में मिलेगा। और आगे आगे जाके आपको बहुत कुछ और चीज़ भी देखने को मिलेगा। ये जो है मेरे घर के सामने सबसे नज़दीकी जो है मॉल है, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, आप लोग मेरे साथ आते ही रहेंगे, सरस्वती मॉल। ये है अभी रात 12:30 बजे, ऑलमोस्ट 1 बजने जा रहे हैं, अभी का माहौल समझ सकते हैं कि कितना लोग अभी जो है, कितने लोग बाहर पे। आई होप दे आर ऑल सेफ डूइंग एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग, नोइंग दैट कोविड केसेस थोड़ा बढ़ रहे हैं, बट ठीक है, आई मीन थोड़ा तो चलता है। बहुत दिन जो है इन सारे लोगों ने जो वेट किया हुआ था। बेस्ट पार्ट ऑफ हैदराबाद इज दैट दे आर वेरी मच कंसिडरेट द गवर्नमेंट, वो लोग कभी जो है सुबह में कोई भी काम नहीं करते कंस्ट्रक्शन का, मतलब करते हैं बहुत छोटे मोटे काम है, बिकॉज उन लोगों को पता है कि डिस्टर्ब करना नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो इधर पे काम करने आए हुए, इसलिए जो भी ये सारे अभी जो फ्लाई ओवर काम हो रहा है इधर पे आप देख सकते हैं, ये कुंडापुर है, कुंडापुर का जो फ्लाई ओवर है, ये सारे काम जो है अभी रात को ही हो रहा है, ताकि सुबह में जो है ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक जैम ना हो, विच इज़ द आई थिंक बेस्ट पार्ट अबाउट दी हैदराबाद मूवमेंट। ये फ्लाई ओवर जो देख रहे हैं आपको इधर से, ये ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा एक्चुअली, इधर से लोग आएंगे फ्रॉम दी अदर साइड। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा काम जो हो रहा है अभी ऑलमोस्ट रात के 1 बजे, यू नो 1 बजने जा रहे हैं, और ये पूरे काम जो है, पूरे कंस्ट्रक्शन के काम ये रात को ही हो रहा है। कुछ छोटे मोटे जो मैंने पेड़ लगाया हुआ इधर पे, अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट। घर जो है आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है कि यू नो अरेंज नहीं है, कपड़ा पूरा जो भी दिख रहा है, इसका कारण ये है कि मैं जनरली जो है वीक के एंड में जाके जितने भी सारा मतलब कपड़ा और ये सब रहता है, मैं यू नो जनरली मैं साफ़ करता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको मेरा वॉशिंग मशीन है इधर पे, बट एक्चुअली इस बार मैं बीच में करने गया, उसमें जो हुआ कि ये खाना बनाना, ऑफिस, ये सब के बीच में जो है ये अरेंज करना मैं भूल गया, तो एक्चुअली ये कल ही का है, तो आज जो मैं रात को ही उसको अरेंज कर दूंगा, बिकॉज I don't want the same thing to continue in New Year. New Year थोड़ा you know अच्छे तरीके से जो है चालू करेंगे और शुरू करेंगे यही सोच के कि जो भी कुछ सही नहीं हो रहा था वो सही हो पाए। और आज मैंने एक्चुअली तबूल से कुछ ऑर्डर किया था, तो यही मैं अभी दूंगा धोने के लिए, एंड दिस इज़ माई कॉफ़ी मग, तो इट इज़ नॉट दी ओनली कॉफ़ी मग, आई हैव मैनी, आपको दिखेगा इधर पे भी। आज जो है मैं अपने ऑफिस जो कलीग टीममेट सबके साथ मैं गया था, तो डिनर मेरा जो था उसमें मोस्टली जो मतलब बहुत फेमस है अरबियन मंदी, तो हैदराबाद में वो इक्वली फेमस है, बिकॉज इधर पे आपको बहुत यू नो सारे खाने मिलेंगे जो कि जिसमें थोड़ा बहुत जो है अरबिक एक इन्फ्लुएंस है। मैंने खाया था, एक था चिकन टिक्का मंदी, मटन मंदी था चिकन फ्राइड चिकन मंदी, इसके अलावा डबल का मीठा, एंड देन वी आल्सो हैड खीर,
या आई मीन दैट वाज प्रीटी मच इट। इट वाज वेरी हैवी बिकॉज हम लोग 6 जने थे, 3 प्लेट लिए थे वो भी हाफ। बट ट्रस्ट मी, अगर आप कभी हैदराबाद आ रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं मंदी खाने के लिए, तो इंश्योर अगर 2 जने हैं तो 1 हाफ प्लेट मतलब इज मोर देन सफिशियंट। तो चैनल में कुछ शुरुआत से पहले जो बताना चाहूँगा मेरे बारे में थोड़ा बहुत, मेरा नाम जैसे चैनल के नाम के साथ आपको ऑलरेडी समझ में ही आ गया होगा कि मेरा नाम है टोडो। मुझे एक्चुअली मेरा जो गुड नेम ऑफिशियल नेम जो भी है बोले वो है सौरभजीत, नेटिव लैंग्वेज है बंगाली, बट ये चैनल पूरा जो है हिंदी में रहेगा। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है मेरा छोटा घर है जो जो कि रेंट में लिया हुआ है, क्योंकि मेरा जो नेटिव प्लेस है वो है वेस्ट बंगाल पे, खड़गपुर जो एक शहर है उधर पे। द रीज़न ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल नाउ बिकॉज मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि आप लोग जो है, मैं जैसे अपना वीडियो लॉग में एक एक वीडियो डालते रहूँगा, आप भी मेरे साथ धीरे धीरे जो है जुड़ते रहे। आई नो फटाक से नहीं होगा, बट आपका अगर सपोर्ट रहा तो और हम अगर यू नो कनेक्ट कर पाए तो आई थिंक धीरे धीरे जो है हम लोग का ये जो मेरा जो ये फैमिली है, एंड आई एम लाइक चैनल नेम सजेस्ट योर स्टूडो, तो ये सारा चीज़ जो है ये आप लोग के लिए है। एंड ये सारा जो है और भी अच्छी तरीके से मैं धीरे धीरे जो है आपको दिखा पाऊँगा। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो भी है जो कि आपको आगे आगे पता चलेगा, एंड आई एम श्योर ये जो कनेक्ट है ये बहुत स्ट्रांग होगा, ताकि यू नो विथ टाइम यू नो वी गेट टू नो इच अदर, अदर यू गेट टू नो मी बेटर। मैं भी डेफिनेटली हर एक कमेंट में जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल, सबके साथ शेयर कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट बात मेरे चैनल के बारे में ये है कि मेरे चैनल में आपको जो है एक चीज़ देखने को मिलेगा वो है बहुत सारा खाना, बिकॉज आई एम फूडी। मेरा एक फूड ब्लॉगिंग का भी चैनल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में देख के रहूँगा, अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू टच 1000 सब्सक्राइबर देयर। ये चैनल हालांकि अभी बहुत नया है, तो आई नो दैट विल टेक टाइम, बट विथ योर सपोर्ट इफ़ यू शेयर, आप अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सबके साथ ये चैनल उतना ही ज़्यादा जो है ग्रो करेगा। मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जो है धीरे धीरे पता चलेगा। कल 31st है, आई मीन ऑलरेडी नाउ इट्स 31st, अभी ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। कल सुबह से बहुत सारा प्लान है जो सब आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे मैं फिश मार्केट जाऊंगा, फिर खाना बनाना, एंड यू नो एंजॉयमेंट विद माय ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, एंड मेरा एक जो स्मॉल सर्कल है वो कौन कौन है कैसा है ये आप सबको जो है डेफिनेटली दिखाई देगा। मेरी एक गुजारिश जो होगी कि अगर पॉसिबल हो तो ये सारे व्लॉग जो है आप कोशिश करिएगा टेलीविजन में भी देखने का, अगर फ़ोन पे ऑलवेज मतलब आई नो दैट फ़ोन सबसे ज़्यादा हैंडी रहता है, बट फिर भी अगर कोशिश करें कभी कभी टीवी में देखने का, देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज फॉर द फैक्ट दैट मैं कोशिश करूँगा मोस्ट ऑफ द व्लॉग जो है वो 4K में शूट करने का, ताकि वो एक्सपीरियंस जो है आपका वो अलग लेवल का हो। एंड ऑल्सो येस थोड़ा बहुत शायद मेरे जो हिंदी है थोड़ा आपको लगे कि यू नो ठीक नहीं बोल रहा है ये बंदा, पर आई कैन आई नो और रादर आई थिंक यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि धीरे धीरे जो है ये मैं कोशिश करूँगा जितना चेंजेस है, और कुछ भी आपको जो लगे कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ ऐड होना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए, तो वो चीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे। कुछ चीज़ें ये भी मैं बताना चाहूँगा, और आई थिंक बताना ज़रूरत भी है बिकॉज नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कि मेरा हैदराबाद पे आए हुए ऑलमोस्ट 7 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये सारे जो बहुत आपको दिख रहा है इधर पे पीछे जो भी अरेंज किया हुआ है, इसके पीछे कहानी इधर पे क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कैसे यू नो काइंड ऑफ कोशिश करता हूँ ये सब चीज़ें जो है अरेंज करने का, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट या आई थिंक फॉर नाउ आज के लिए ब्लॉग काफ़ी है, छोटा ब्लॉग है, धीरे धीरे शायद टाइम बढ़ेगा, शायद हो सकते कभी, ऐसे भी हमको बता दे रहा हूँ कि रोज़ ना आए व्लॉग, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा रोज़ लाने का व्लॉग। अभी मैं एडिट करूँगा, एडिट करने का व्लॉग अपलोड करूँगा चैनल पे, एंड कल फिर से जो है सुबह उठ के मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो क्या है नहीं है वो कल जो है ब्लॉग में पता चलेगा। सो विद दैट सेड प्लीज़ सब्सक्राइब, दिस इज़ योर स्टोरो, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड अभी न्यू ईयर विश नहीं करूँगा, वो कल करूँगा मैं, बट या प्लीज़ बी सेफ अगर आप लोग जा रहे हैं वीकेंड पे, कोविड केसेस थोड़े बढ़े, तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट।